गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के लिए पूरे साल में आने वाले कुछ खास दिन। हेलो फ्रेंड्स, लव ट्यूब्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मुझे कमेंट बॉक्स में एक सवाल पूछा गया था कि कौन से वो दिन खास होते हैं, स्पेशल डेज जिसे कहते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पूरे साल में वो मना सकते हैं, सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि चलिए आपको बता देते हैं कौन से वो खास दिन होते हैं। कुछ ऐसे अलग दिन भी होते हैं जिस दिन बहुत ही अच्छा रहता है अगर साथ में हम कुछ मनाते हैं तो। जो सबको पता है वो सबसे पहला तो आ जाता है वैलेंटाइन वीक। वैलेंटाइन वीक हर साल आता है, बहुत ही अच्छे से हम उसमें दिन मनाते हैं, वो बहुत ही खास दिन होते हैं। 7 फरवरी से 14 फरवरी तक हम मनाते हैं सारे दिन को। जो पहला दिन रोज़ डे होता है, फिर प्रपोज डे, चॉकलेट डे, टेडी डे, प्रॉमिस डे, हग डे, किस डे, और आखिर में होता है वैलेंटाइंस डे। इस दिन हम अलग अलग चीज़ें करते हैं, जैसे रोज़ डे पे अलग अलग कलर के रोज़ देते हैं, प्रपोज डे पे प्रपोज करते हैं। मतलब कि आपका रिश्ता जहाँ तक पहुँचा है वैलेंटाइन वीक में, वहाँ वो चीज़ें आप कर सकते हैं। चॉकलेट दे सकते हैं, टेडी दे सकते हैं, प्रॉमिस डे पे कोई अच्छा प्रॉमिस कर सकते हैं, हग कर सकते हैं, और अगर आप अच्छे लेवल पे हैं तो किस भी कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ रहती है। तो हर कपल का, हर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का ये पसंदीदा वीक होता है वैलेंटाइन वीक, क्योंकि उस दिन अलग अलग चीज़ें करने को मिलती है। एक दूसरे के साथ हम बातें करते हैं, टाइम बिताते हैं, एक दूसरे के साथ कहीं पे घूमने जाते हैं। जो भी दिन सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, जो आखिरी दिन होता है 14 फरवरी का वैलेंटाइन डे के तौर पे मनाते हैं, उस दिन अलग अलग कपल्स अलग अलग तौर से मनाते हैं। कोई खाने पे जाते हैं, कोई घूमने जाते हैं, मूवी देखने जाते हैं। तो ये एक चीज़ रहती है हर रिश्ते में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए ये बहुत ही खास दिन रहते हैं। तो ये वैलेंटाइन वीक की बात हो गई। साल में कुछ और भी दिन होते हैं जो एक खास चीज़ के लिए बने होते हैं, तो ये भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अगर चाहे तो सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो कौन से दिन हैं? 3 अक्टूबर को आता है बॉयफ्रेंड डे, तो उस दिन भी आप कुछ चीज़ें अपने बॉयफ्रेंड के लिए कर सकते हैं। फिर 14 अक्टूबर को आता है आई लव यू डे, तो उस दिन आप अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को आई लव यू कह सकते हैं। 26 सितंबर को आता है सितंबर लव नॉट डे, तो उस दिन कोई लव प्यार वाली दास्तान वाली चिट्ठी या नोट भेज सकते हैं, उन्हें कोई अच्छा मैसेज भेज सकते हैं, उनके साथ टाइम बिता सकते हैं। तो ये अलग अलग दिन आते हैं, बहुत ही ऐसे अच्छे अच्छे दिन होते हैं जो रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए काम आते हैं। जैसे बॉयफ्रेंड डे है, वैसे ही 1 अगस्त को गर्लफ्रेंड डे आता है, तो उस दिन आप अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कुछ कर सकते हैं। जब भी आप ऐसे दिनों पे कुछ करते हैं तो वो चीज़ें कुछ खास हो जाती है, तो आप अपने हिसाब से ये दिनों को स्पेशल बना सकते हैं। कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप कौन से दिन को सेलिब्रेट करते हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, फ्रेंड, वीडियो को देख रहे सारे GABF राजा मजून लला जो भी हो, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई भी सवाल या सुझाव कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिए। थैंक यू दोस्तों, नो बेटर लिव बेटर।